हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ यूपी SSC सहायक लेखाकार का जो इंटरव्यू हुआ है दोनों वर्ग को, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ देखिए, आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है तो इसे मुक्त व्यापार कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, डायरेक्ट है, आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है मुक्त व्यापार में, तो ये आपका सटीक आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो, पुनर्गठन के बाद 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो उस समय जिस समय संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा बना था, तो 1947 के बाद जो पुनर्गठन हुआ था उस समय 299 संविधान सभा के सदस्य की संख्या थी। इसके बाद राज्यसभा विघटित हो सकती है, कब होती है? तो कभी नहीं होती है राज्यसभा विघटित, जबकि लोकसभा विघटित होती है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो, दीर्घकालीन ऋण को कौन सा बाजार कहते हैं? तो दीर्घकालीन ऋण को कौन सा बाजार कहते हैं? कैपिटल मार्केट कहते हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो था पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, भारत सरकार ने संसद में प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी का बिल कब प्रस्तुत किया था? तो 1990 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। और आप लोग साथ ही साथ लाइक भी करते चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सबको फायदा हो। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो, लाभ हानि खाते में प्रवाहित राशि की राशि प्रतिवर्ष किस पद्धति में बदलती रहती है? तो वो क्रमागत ह्रास पद्धति में बदलते रहती है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा इसे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से, तांबा धातु की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है मानव शरीर में? तो विल्सन बीमारी होती है। इसके बाद देखिए, पूछा गया है, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 336 के अंतर्गत आपका ये लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। और इसके बाद देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया वो, निक्षेपागारों और न्यूनतम फंड्स का प्रत्यक्ष निरीक्षण कौन करता है? तो निक्षेपागारों और न्यूनतम फंड्स का प्रत्यक्ष निरीक्षण सेबी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए, एक चीज़ ये मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है मैंने उसे अपने वीडियो में नहीं लिया है, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चंस को दोहराना सही नहीं है। इसलिए आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कई क्वेश्चंस पिछले वीडियो से पूछे जा रहे हैं, और ख़ास तौर से जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आप ज़रूर एक बार देख लें। और वैसे तो दो तीन बार आप अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र राज्य अथवा केंद्र के अधीन प्रतिष्ठान को सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो, साख पत्र, गारंटी, वायदा, संविदा आदि किसके अंतर्गत आता है? तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैसे एक दो बार और पूछा है लेकिन मैंने इसका आंसर उस समय नहीं बता पाया था। तो ये देखिए, साख पत्र, गारंटी, वायदा, संविदा आदि किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये बैंक की तुलन पत्र से हटकर अन्य मदे में आती हैं ये सब। इसके बाद पूछा गया जो है, ये साइंस से क्वेश्चन पूछ गया, ताप युग्म तापमापी मतलब थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट, नहीं ये कंप्यूटर से नहीं है, ये आपका कॉमर्स से ही पूछा गया है, नेफ्ट और स्विफ्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो नेफ्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, और स्विफ्ट का क्या होता है फुल फॉर्म, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये आपका स्विफ्ट का हो जाएगा, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद देखिए, पूछा गया ये कंप्यूटर से है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये यहाँ यस नहीं रहेगा।
और इसके बाद देख लीजिए हिडन फाइल की संख्या कहाँ से ज्ञात करते हैं। तो हिडन फाइल की संख्या ज्ञात करने के लिए डायरेक्टरी कमांड में जाना पड़ता है। डायरेक्टरी कमांड से हम हिडन फाइल की संख्या को ज्ञात करते हैं। इसके बाद देखिए कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स किसका बना होता है। तो सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन मटेरियल होता है जो कि अर्ध चालक होता है और इसी का आईसी चिप्स बनाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो ये बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक अधिक है। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला है जो उसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पीडीएफ अगर लेना है तो बता देंगे। और लेकिन इसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे जो कि बहुत छोटा चार्ज है। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए कीजिएगा ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी भला हो जाए, आपके दोस्तों का भी। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।